चोन प्रचार का चोन मुहिम का अज पहला श्रोमणी अकाली दल का दफ्तर बठिंडे खोलिया। सारे वर्करां दे विच बहुत जोश हैगा, बहुत जज्बा हैगा। भावें दफ्तर अज खुलिया लेकिन डेढ़ महीने तो सारे वर्कर जमीन ते उतरे हुए ने ते बहुत ही जोश दे नाल, मेहनत दे नाल ते परवाह हंगारा जेड़े पिंड चे जेड़े शहर चे चाहिए जेड़ा मैनू मिल रहा है अज साडे वर्करां नू भी मिल रहा है। क्योंकि पिछले 7 सालों से लोगों ने जिथों पंजाब की सारी पार्टी की सरकार देख लीतिया ने, 5 साल कांग्रेस नू दित्ता, अज उन्हां दी भाईवाल पार्टी 2.5 साल तो उन्होंने भी सरकार चल रही है। लेकिन 7.5 सालों चो लोगों को बिल्कुल साफ हो गया है कि दोवें कांग्रेस ते आम आदमी जिन्हों का इंडिया अलायंस गठजोड़ होया है, सारे देश में सांझे उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। साढ़े सूबे की राजधानी चंडीगढ़ में भी इन्होंने सांझा उम्मीदवार उतारिया है। लेकिन जेड़ा झूठ की इन्हों की आदत है वो अजे तक नहीं बदली। सारे देश में राजधानी में इकट्ठे कहते पंजाब से वक् हाँ, लेकिन जित जावे तो उस गठजोड़ शामिल हो जाएंगे। सो लोग भावें इन्हों की घर घर नौकरी का झूठ, कर्जा माफ़ी का झूठ, 1,000 रुपए का झूठ, अज हर झूठ तो लोग जानू हो गए हैं। तो जेडे कानून व्यवस्था के हालात ने ते सिखरां ताईं नशे घर घर च नशे पहुँच के जिस तरह की मौतां हो रही ने, अज जमीन च उतर के देखिए सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं, लोगों की कोई सुनवाई नहीं, डिवेलपमेंट नाम की तो चीज़ नहीं। जब तनखावां देने वास्ते सरकार को पैसे नहीं रहे, मुख्यमंत्री नूं सूबे वास्ते समा नहीं, अज पंजाब के जो हालात पैदा हो गए ने, मैं कहती लोग इस बारी अपनी पार्टीबाजी तो उपर उठ के पंजाब नूं बचाउण वास्ते तकड़ी नूं वोट पाएंगे, ताकि वह दिन वापस आन जिथे विकास तरक्की अमन शांति ते भाईचारिक सांझ दे सोच दे नाल सरकारां चल जांदियां। सी भाई ते भाई सिद्धू मूसेवाले दे कत्ल लेके मोदी पेश कर दित्ते गया, मोदी पिता ने कहा कि पर्चा दर्ज होना चाहिए तो हुण सरकार करेगी। मैं तो बिल्कुल सहमत हाँ। असी तो पहले ही गवर्नर नूं जाके कहा सी पर्चा दर्ज होना चाहिए हैगा, मुख्यमंत्री के खिलाफ होना चाहिए जिन्हें सिक्योरिटी विदड्रॉ की, जिन्हें आप दे सरकारी हैंडल तो ये जनतक किया कि मैं सिक्योरिटी विदड्रॉ करती है, जिदा नतीजा उस मूसेवाल परिवार को भुगतना पिया। तो उन्होंने सलाहकार सारे के उत्ते होनी चाहिए। तो इन्हों की दोगली राजनीति कि एक परिवार का पुत मारता, पंजाब का एक हीरा मारता, तो जब अपने उत्ते आए कि भी अपनी पिछली गली मुख्यमंत्री के घर तो पिछे वाली गली खोल दी जाए तो कहते ये मुख्यमंत्री के जान को खतरा हो सकता है। हुण आप इन्हों का एडवोकेट जनरल दस रहा कि जिमें मूसेवाला का उन्हों का कतल होया क्योंकि असी सिक्योरिटी विदड्रॉ की, तो सरकार खुद मन गई है। आही तो पंजाब के लोग कह रहे हैं, आही तो परिवार कह रहा है, तो आही अकाली दल ने जाके गवर्नर को कहा तो बिल्कुल पर्चा दर्ज होना चाहिए है, इस मुख्यमंत्री के खिलाफ होना चाहिए है, वो सलाहकार के खिलाफ होना चाहिए है। तो जिहड़ा उन्होंने इंसाफ देने लिए जो कदम चकने चाहिए ने, मैं तो कहती गवर्नर साहब तो केंद्र की सरकार करे जो सूबे की सरकार नहीं करे। ये तो इन्हों दोवां सरकारां की हकीकत सामने आती है कि जेडे बंदियां ने 5 साल वास्ते लोगों की सेवा लई सहुं चक्की सी, शपथ चक्की सी, सेवा मंगी सी, अज उस सेवा तो भज रहे ने, ज़्यादातर आपके हल्के तो भी भज रहे ने। हुण मेरे खिलाफ जेड़ा कांग्रेस का उम्मीदवार पिछली बारी खड़िया सी ते अपने पोस्टर तक सारे झंडे च ला दिते सी, परिवार उहदा घर घर घूम रहा सी, फिर की मजबूरी हुई कि इहनूं छड्ड के लुधियाना भजना पिया, क्योंकि आ पता सी कि जद बठिंडे में जाऊगा, जब इहदा सरकार सी मंत्री बनिया मुड़के सार नहीं लिती, बल्कि मेरे तीनों कैंडीडेट्स का आही हिस्ट्री है। भावें कांग्रेस के तीनों कैंडीडेट्स जेड़े आए वड्डे वड्डे अहुदे च, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनी उन्हों का मुंडा सीगा, उहदे बाद वित्त मंत्री साहब कांग्रेस के आए, उहदे बाद आ प्रधान साहब आए, लेकिन मुड़ के बठिंडा हल्के की किसी पिंड च जाके शक्ल तक नहीं दिखाई। विकास का तो की काम करना सी, जिदे करके इन्हों भजना पै रहा है आपके MLA हल्के तो। तो जिहड़ा ये आम आदमी कहिंदा सी असी तो आम बंदियां नूं टिकटां देवांगे, तुहाड़े मुंडियां नूं देवांगे, पकौड़े वाले, रिक्शे वाले, रेहड़ी वाले नूं, ते हुण की गल है कि मेरे हल्के तो भी खास मंत्री साहब नूं उतारना पिया हैगा ते MLA साहब नूं उतारने, हुण उहनां दी सारी पॉलिसीज़ कित्थे गई? कोई VIP सिक्योरिटी नहीं चाहिए, कोई मकान नहीं चाहिए, कोई घर नहीं चाहिए आम बंदियां नूं, सारी चीज़ां तो मुकड़ के है यूटर्न तक कदे देखिया नहीं जिन्नी छेती इन्हां पार्टियां दी। भाई मैडम पटियाले 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 बहुत दुखदायी चीज़ है कि आप BJP अजे भी अपने हरकतों तो बाज नहीं आती। पहले इन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाल कांग्रेस के नाल रल के 750 किसान साढ़े दिल्ली के बॉर्डर से शहीद कराते,
एक बार ही कैप्टन अमरिंदर सिंह घरों बाहर निकल के बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली नहीं गया प्रधानमंत्री नूं कहन वास्ते मेरे किसान रोज़ मर रहे ने इन्हां दी सुनवाई करो। क्यों नहीं गया? क्योंकि अज साफ है उहदी तारां कित्थे जुड़ियां होईयां सी, अज उत्थे बैठिया होया। उहदे बाद मैनूं हैरानी ते दुख इस गल दा है कि आ बदलाव दी वड्डी गल्लां करन वाली पार्टी अज एह घुटने टेकी बैठी है केंद्र दे सामने कि हुण साडे किसान आपदे पंजाब दी हदां च बैठ के उही मंगां मनवाउण वास्ते बैठे ने, ते हरियाणे दी भाजपा दी पुलिस आ के साडे किसानां दी कतल कर जांदी है, जख्मी कर जांदी है, ते साडा मुख्यमंत्री कोई एक्शन नहीं लैंदा। बल्कि जिस तरीके दे नाल पंजाब दे बॉर्डर नूं किला वगैरह दे नाल करके ऐ पाकिस्तान दा बॉर्डर बना छड्या सी, अपने किसानां नूं अपनी राजधानी तो जान तो रोकिया, ते जे एक किसान भाजपा नूं अपने पिंडां च जान तो रोक रहे ने, ते इह भगवंत मान दी पुलिस अपने किसानां दे उत्ते तशद्दुद करके अज किसान दे मौतां हो रहियां ने। मैं भगवंत मान नूं पुछना चाहुंदी हां कि तुसीं तां गारंटी दित्ती सी कि 23 दी 23 फसलां दी MSP तुसीं दोगे, चुटकियां मार के तुहाडे मंत्री कहिंदे सी साडी सरकार लाओ, केजरीवाल कहिंदा गारंटी, ते फिर क्यों पंजाब दे पुत तुसीं मरवा रहे हो, क्यों किसानां दे कतल करवा रहे हो? गारंटी तुसीं दित्ती सी, MSP तुसीं दिओ, बल्कि तुसीं केंद्र दा एजेंडा अग्गे लागू कर रहे हो। कदे 3 काले कानून विचों एक चुप चुपी ते कानून तुसीं लागू कर देंदे हो, जिसे प्राइवेट साइलोज नूं तुसीं पचे सेंटर बना देंदे हो। कदे तुहाडे किसानां नूं जे भाजपा नूं रोकदे, जिहदा डेमोक्रेटिक राइट है किसे दे खिलाफ, साडे खिलाफ भी जद करदे सी, असीं तां नहीं रोकदे सी। तुसीं तां किसान मर के आ रहे हो, इक ते रणनीत सरबरीत भी रहे हो, पर अंतक साहब नूं इक जिहड़ा रेलवे ट्रैक नाल नहीं जोड़ सके। मैं तां खुटिया साहब नूं सत्कारयोग ने बहुत, मैं तां जदों बने सी मंत्री जी बधाई भी दित्ती सी, तो कहा सी आओ रल मिल के कुछ करिए अपने लंबी वास्ते। मैं तां इहनां नूं आही पुछना चाहवांगी कि 5 साल कांग्रेस दी सरकार सी, तुसीं कांग्रेस विच सीगे, तुहाडे कोल वड्डे वड्डे अहुदे भी सीगे, हुण 2.5 साल चो भी तुहाडी सरकार है। इन्हां 7.5 सालां च तुसीं एक चीज़ तां गिना दिओ कि तुहानूं जे किसे ने अहुदा दित्ता ते उस सरकार च बह के तुसीं अहुदे दे नाल लंबी हलके दे लोकां दी किहड़ी सेवा कीती आ? कुड़ियां पिंड गल कह रहे ने बीबा जी, 5-15 सालां च कोई 5 प्रोजेक्ट लगा दें जिहड़े पंजाब दे विच जां बठिंडा दे विच आए। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, 5 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 50 ਗਿਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡੇਲੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਫਿਰੌਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਅੱਜ ਬਠਿੰਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਬਲੀ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਜਦ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਿਆ, ਜਦ ਹਾਈਟਨਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਾਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਵੀ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕਤਲ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੌਂਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, 4 ਹਫ਼ਤੇ ਕੀ 5 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 2.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ, ਹਰ ਗਲੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਫਤੂਹੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੇ 3 ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਏ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਨਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ 2 ਮਰ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਰੂਰਲ 'ਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਘਰਵਾਲਾ ਮਰਿਆ, ਮੇਰੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਗਏ, ਮੇਰਾ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ, 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ-ਸੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਲੋਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਨਾਮ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦਿਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਤਾਈਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਝਾੜੂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ MLA ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ।
अदालतां कह रही ने ते लोकां नूं भी पता है कि सरकारी सहयोग के बिना प्रशासन ते सरकार ते सहयोग दे बिना इस तरह शरेआम नशे नहीं बिक सकते।